ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है मैं हर वीडियो में कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करता हूं और उन सभी का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। एंड गाइस कई बार क्या होता है कि किसी भाइयों को जो है मतलब कि मेरा जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो उनके फोन में सपोर्ट नहीं करता है, तो गाइस वो लोग बैकग्राउंड पेजेस डाउनलोड नहीं कर पाते। तो उन भाइयों के लिए मैंने क्या किया है कि टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, मैंने उसमें भी बैकग्राउंड पेजेस में दे देता हूँ। अगर आपका इन मतलब कि नहीं हो पाता डाउनलोड ड्राइव से तो आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके इजीली वहाँ पे डाउनलोड कर लेना, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो गाइस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना, बस इतना ही कर लेना। एंड बाकी कैसे अगर अभी तक आप सबने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चले गए आज के इस नए वीडियो हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। ठीक है, अभी बैकग्राउंड को देख के घबराओ मत, मैं आपको बताता हूँ आपको सब कुछ कैसे करना है। पहले जाना आपको ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। मॉडल को ऐड करने के बाद जो है गाइस आप लोग को क्या करना, मॉडल जब आप ऐड करोगे तो गाइस आपको जो मॉडल का साइज है वो कुछ इतना रखना है। एंड उसके बाद जो है आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको सिंपली डन कर देना है। एंड उसके बाद आपको दोबारा जाना ऐड फोटो में, आपको एक पीएनजी मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उस पीएनजी को डाउनलोड करना है जो कि ये वाला पीएनजी है। आपको उसको डाउनलोड करने के बाद आपको उसको लगाना कैसे गाइस, आपको उसको जूम करना है एंड गाइस इसका साइज़ जो है बड़ा रखना है। एंड गाइस इसको क्या करना है, बड़ा साइज रख के आपको कुछ इस तरीके से आपको उसको लगाना है। ठीक है, क्या है कि गाइस अभी जो मेरा मॉडल है उसने अंदर से ब्लैक कपड़े पहन रखे, तो इसलिए जो है ये पीएनजी अच्छे से शो नहीं हो पा रहा है। आप लोग अगर कोई मतलब अनदर कलर का कोई कपड़ा पहना हो तो आप देखना इसको लगाना, आपको फोटो में एकदम गजब का लगेगा ये। ठीक है, फिर इसको लगाने के बाद आपको क्या करना, आपको जाना ऐड फोटो में, एक पार्टिकल का पीएनजी मिलेगा आप सभी को, तो उसको डाउनलोड करना है आपको, फिर उसको ऐड करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इसको ब्लाइंडिंग मोड चेंज करके इसका स्क्रीन करना है। एंड उसके बाद आपको उसको फुल स्क्रीन करना है कुछ इस टाइप से, एंड इसको फ्रंट में कुछ इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको अपनी फोटो को सिंपली डन करना है। एंड उसके बाद आपको इसमें थोड़ी सी कलर करेक्शन करनी है जो कि हम करते हैं लाइटरूम ऐप में। तो अभी हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम सिंपली इसको सेव करेंगे। एंड सेव करने के बाद जो है हम इसको लेके चलेंगे अपने लाइटरूम ऐप में, क्योंकि कैसे रिटच करके तो इसको हम झक्कास बना देंगे। तो चलिए ओपन करते हैं लाइटरूम ऐप को अब। ठीक है, तो यहाँ से हम लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस हमने जो यहाँ पे लाइटरूम ऐप को ओपन तो कर लिया है, बट इसमें हमने फोटो को पहले से ही ऐड कर रखा है, तो आप लोगों को स्किप करने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग देखते रहो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में, आपको उसका जो कॉन्ट्रास्ट है गाइस आपको उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। हाईलाइट जो है गाइस आपको उसको थोड़ा सा यहाँ पे माइनस की तरफ रख लेना है। एंड जो शेडो है गाइस इसको हल्का सा इंक्रीज करना है। एंड जो व्हाइट है, व्हाइट जो दिख रहा है गाइस आपको, व्हाइट को आपको छेड़ना है थोड़ा सा, हल्का सा प्लस कर देना है, जो ब्लैक इसको माइनस। फिर उसके बाद आपको जाना है कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है फोटो में, जो टेम्परेचर उसको कम कर देना है। फिर आपको जाना है कलर मिक्स में, कलर मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर आपको सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको माइनस करना है, लुमिनस आपको बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है येलो कलर, आपको उसका ह्यू माइनस करना है, इसका सैचुरेशन प्लस कर देना है। फिर उसके बाद आपको जाना है डार्क ब्लू में, आपको जो इसका सैचुरेशन है और ह्यू है इसको बढ़ा देना है अगर आपको ब्लू कलर रखना हो तो। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आप इसका सैचुरेशन माइनस भी कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली डन कर देना है। उसके बाद आपको ये करना है, आपको जाना नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है पहले तो। फिर उसके बाद जो फोटो में विग्नेट है वो डालना है, विग्नेट जरूर डालना है। ठीक है, इस फोटो में। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। फिर गाइस आपको जाना नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नॉइज रिडक्शन वगैरह आपको उसको बढ़ा देना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नॉइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले मैं मिलता हूँ उस वीडियो किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।